गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तथा अधातु। तो इस पाठ में हम लगभग पूरा पाठ कवर कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक बाकी रह गया था, कौन सा? धातु निष्कर्षण और संक्षारण, ये टॉपिक इसमें बचते हैं। लेकिन ये दोनों टॉपिक मार्च 2021 के एग्जाम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अभी CBSE ने सिलेबस को कम कर दिया, 30% कम कर दिया है। तो उस सिलेबस में ये दोनों पोर्शन डिलीट कर दिए हैं। पार्ट नंबर 3 में से धातु निष्कर्षण और संक्षारण, ये दोनों पार्ट डिलीट कर दिए हैं। तो मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बाकी जो हमने पढ़ लिया आज, उनके ऊपर, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम वो सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चंस के करने से जो जो कंसेप्ट हमने पाठ में पढ़ लिए, वे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब जितने कंसेप्ट इसमें आए थे, उन कंसेप्ट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें उठा लिया है। तो शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भाई, कोई तत्व ए जो साधारण नमक में प्रयोग होता है। अब हमें पता है, देखो पाठ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके पाठ में ही, सॉरी उसकी स्टेटमेंट में ही जो प्रश्न दिया गया होता है, उस प्रश्न में ही उसका आंसर छिपा होता है। तो जैसे ही प्रश्न इसमें, कोई तत्व ए जो साधारण नमक में प्रयोग होता है तथा कैरोसिन में रखा जाता है। हमें पता है कि साधारण नमक में दो ही तत्व प्रयोग होते हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। क्लोरीन को तो तेल में नहीं रखा जाता, रखा किसको जाता है? सोडियम को। इसका मतलब तत्व किसकी बात कर रहा है? सोडियम की। उत्तर आ गया यहीं से। तथा कैरोसिन में रखा जाता है, यह तत्व बी से अभिक्रिया करके कोई यौगिक सी बनाता है। यह तत्व किसी तत्व से अभिक्रिया करके कोई यौगिक सी बनाता है और सी का जलीय विलयन विद्युत अपघटन के बाद यौगिक डी देता है, और वो यौगिक डी तथा दो गैसे। तो इसने कहा कोई तत्व जो साधारण नमक में प्रयोग होता है वो है सोडियम। यह सोडियम किसी तत्व से अभिक्रिया करके कोई तत्व सी बनाता है। तो एन सोडियम ने कोई तत्व एक्स, मान लिया एक्स है, इसने बनाया एन ए एक्स, कहता है यह है तत्व सी, कहता है एन ए एक्स ने का इसका जलीय विलयन लिया और इसका विद्युत अपघटन करवाया। विद्युत अपघटन करने से हमें प्राप्त हुआ कोई यौगिक डी, और दो गैस प्राप्त हुई हमें। कौन कौन सी दो गैसें प्राप्त होती है वो इसमें नाम नहीं दिया है, कौन कौन सी प्राप्त होती है। तो हमें पता भी सोडियम, देखो यहाँ NaX जो होता है, हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में से जब विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो सोडियम क्लोराइड के विलयन से विद्युत धारा गुजारने पर हमें NaOH प्राप्त होता है, और दो गैस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये होगा सोडियम क्लोराइड। तो यह तत्व सोडियम कौन से तत्व से अभिक्रिया करेगा? बी से। बी क्या हो गया? क्लोरीन। ठीक है भाई, तो बी क्या है? ये तत्व ए है। कोई तत्व ए बी से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा सी। सी क्या हो गया? NaCl। ठीक है, अब NaCl का विद्युत अपघटन हुआ तो हमें कोई पदार्थ डी प्राप्त हुआ। डी, डी क्या हो गया? NaOH। ठीक है, और दो गैसें क्लोरीन तथा हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है। ठीक है भाई, कहता है जो ये डी है, इसका नीले लिटमस या लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये तो सारक है, यह लाल लिटमस को नीला कर देगा, लेकिन नीले लिटमस के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसने प्रश्न में यही पूछा है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। बात याद रखना, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है पेपर में भी। दूसरा प्रश्न इसमें उसने पूछा, दो अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करके कोई पदार्थ एक्स बनाता है। देखो पहले बता चुका हूं कि धातु अधातु से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती है, जबकि अधातु अधातु से अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि धातु जो होती है, धातु वो इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है, इसलिए धातु तथा अधातु आयनिक यौगिक बनाती है, जबकि अधातु
और अधातु वो सहसंयोजी यौगिक बनाती है। तो इसने बोला है कि दो अधातु हैं जिन्होंने कोई पदार्थ X बनाया, तो X कैसा होगा? सीधी सी बात है भाई, सहसंयोजी यौगिक होगा। तो उसमें आबंध का प्रकार पूछा उसने कि उसमें आबंध किस प्रकार का होगा, तो आबंध कैसा होगा? सहसंयोजी आबंध, याद रखना ये पढ़ा चुका हूं मैं। X का गलनांक तथा क्वथनांक कितना कैसा होगा? निम्न होगा कि उच्च होगा। देखो हम पढ़ चुके हैं जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, जबकि सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें तत्वों के बीच आकर्षण बल कम होता है, उनके बीच जो आबंध होता है वो इतना प्रबल नहीं होता, वह दुर्बल आबंध होता है, उसको तोड़ना आसान होता है, इसलिए कम ऊर्जा दे देंगे, कम गर्म करने पर ही वो टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए सहसंयोजी यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है, कम होता है। यह यौगिक जो बनेगा यह विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा? देखो भाई, हमने ये बात पढ़ ली है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन सहसंयोजी यौगिक विद्युत के सुचालक नहीं होते, ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये किस, और अगर इसमें पूछा है ये किस में घुलनशील होगा, मतलब सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो पानी में, जल में घुलनशील नहीं होते, जल में नहीं घुलेगा, तो ये किस में घुलेगा? यह जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे ईथर होता है या अल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, उनके अंदर घुल जाएंगे, लेकिन ये जल में नहीं घुलते। जल में कौन से घुलते हैं? जल में घुलता है आयनिक यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीन तत्व एक्स वाई तथा जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, कोई तत्व है एक्स एक्स वाई और जेड, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया 2-4 और वाई का दिया है 2-7, जेड का दिया है 2-1, कहता है इनमें से कौन से दो जुड़कर आयनिक यौगिक बनाएंगे और कौन से दो जुड़कर सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे, ये प्रश्न है। अब देखो मैं बता चुका हूं जिनके बाह्य कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती हैं धातु, और जिनके बाह्य कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती है अधातु। तो इसमें देखो, इसके बाह्य कक्ष में 1 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी धातु नहीं है। धातु कौन सी है? ये है जेड, इसका मतलब है जेड इनमें से अधातु से जब जुड़ेगी तो 7 वाली ये मुख्य अधातु है, ये उपधातु हम इसको कह सकते हैं, तो ये जो है ये अधातु है, तो जेड और वाई जब जुड़ेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा? हमें आयनिक यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट इसी में पूछा है सहसंयोजी यौगिक कब बनेगा, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो सहसंयोजी यौगिक बन जाएगा, मतलब X और Y से क्या प्राप्त होगा? हमें सहसंयोजी यौगिक प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछता है वो, इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में कोई तत्व ए के संयोजकता कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई तत्व है ए, इसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले में संयोजकता कक्ष में, कोई तत्व बी में 1 इलेक्ट्रॉन है, बी एक तत्व है जिसके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ए और बी द्वारा बनने वाले यौगिक विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है, ये बताना है। इसमें किस प्रकार का आबंध होगा, बिंदु संरचना लिखो, बिंदु संरचना भी इसमें लिखनी है। देखो भाई, अब हमें पता है, क्या पता है कि जिनके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है धातु, वो क्या होगा, वो धातु होता है, और जिनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम उपधातु भी कह सकते हैं, लेकिन कई बार उनको हम अधातु में शामिल करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसको, 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी हम उसको अधातु मानते हैं, किसको, कार्बन को। तो ये कहता है कि इसमें किस प्रकार का आबंध बनेगा, तो ये तो अधातु होगी और
ये धातु होगी क्योंकि इसके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये होगी अधातु। ठीक है, और अधातु और इसके बाह्य कक्ष में चार है तो धातु और अधातु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा आयनिक यौगिक, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है भाई, ये प्रश्न हो गया। तो ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। ठीक, उसके बाद है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा, प्रत्येक में धातु का नाम लिखिए, धातु का नाम बताना हमें, कौन सी धातु, ऐसी धातु जो ठंडे तथा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से अभिक्रिया कर लेती है, ऐसी कौन सी धातु। हमने पढ़ा था भाई इसमें आयरन भी होती है और इसमें एल्यूमिनियम भी होती है और जिंक भी होती है जो भाप से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, उसके बाद है यह जल के किस भौतिक अवस्था, ऐसी कोई धातु का नाम बताओ जो जल के किसी भी भौतिक अवस्था से अभिक्रिया नहीं करती। देखो जल की तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, एक होती है सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। मतलब जल द्रव अवस्था में है या फिर ठोस अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में, ऐसी कौन सी धातु है जो जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। तो इसमें हमने पढ़ा था भाई जो धातुएं हैं जो संपीड़ित श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, और कॉपर है, वो ऐसी धातुएं हैं जो जल से ना तो जल से अभिक्रिया करती, न ही गर्म जल से, न ही ठंडे जल से, न ही भाप से, वो किसी भी रूप में जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो ये उदाहरण बताने थे इसमें। उसके बाद है कोई तत्व X दो ऑक्साइड बनाता है। भाई कोई तत्व है X, प्रश्न है ये सातवां प्रश्न, कोई तत्व है X ये दो ऑक्साइड बनाता है, एक बनाता है XO और एक बनाता है XO2। कहता है ये जो ऑक्साइड है ये उदासीन है और ये जो ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। मतलब ये बनाएगा क्या, ये क्या कर सकता है, ये लाल नीले लिटमस को लाल करता है ये ऑक्साइड। तो कहता है कि ये एक्स तत्व कौन सा तत्व हो सकता है। तो हमने पढ़ा था भी अधातु के ऑक्साइड में, देखो अम्लीय धातु सॉरी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है अधातु, इसका मतलब है ये एक्स जो है ये कोई ना कोई अधातु है। और एक अधातु हमने पढ़ी थी कार्बन, जो कार्बन का ऑक्साइड होता है वो दो होते हैं, एक होता है CO एक होता है CO2, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, हम पढ़ चुके हैं क्यों, क्योंकि जब ये जल में घुलता है H2O तो ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल देखो अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। और CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का नहीं होता, ये होता है उदासीन। तो तत्व क्या हो गया इसमें, तत्व हो गया भाई कार्बन, बात समझ आ गई। उसके बाद है तो ये X क्या है, ये अधातु, सीधी सी बात है हम समझ जाएंगे, अगर XO2 उसने कह दिया कि XO2 अम्लीय प्रवृत्ति का, तो सीधी सी बात की X क्या है, एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उसने कुछ तत्व दिए हैं और कुछ तत्वों के विलयन दिए हैं और पूछा है कि क्या इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। कैसे, उसने दिया ZnO जिंक ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और दे दिया कॉपर ऑक्साइड CuO। अब ये कहता है कि जिंक ऑक्साइड ऊपर है तत्व जिंक और मैग्नीशियम और कॉपर। अब देखो जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, ये जिंक से अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा, देखो जिंक ऑक्साइड ही है तो जिंक से क्या अभिक्रिया करनी है इसने, ये तो बात खत्म है। क्या मैग्नीशियम इसके साथ विस्थापन अभिक्रिया करेगा। सक्रियता श्रेणी को अगर हम देखें, सक्रियता श्रेणी को ध्यान से देखना, उसमें मैग्नीशियम जिंक से ऊपर मिलेगा, इसका मतलब है मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील है तो मैग्नीशियम जिंक को उसकी जगह से विस्थापित कर सकता है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। कॉपर को देखें तो कॉपर क्या है, कॉपर तो
जिंक से कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में देख लेना, यह कॉपर जिंक से नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कॉपर जिंक को जिंक ऑक्साइड से विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड की विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ देखें तो जिंक, देखो मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है किससे, जिंक से। इसका मतलब मैग्नीशियम के ऑक्साइड से जिंक अलग नहीं कर पाएगा मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील है किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम अपने ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये अधिक पावरफुल है, अधिक क्रियाशील है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। अगर मैग्नीशियम के साथ देखें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसकी क्या अभिक्रिया होगी। अब कॉपर के साथ देखें तो कॉपर के साथ भी अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर से भी अधिक, सॉरी मैग्नीशियम कॉपर से भी अधिक क्रियाशील नहीं होगी। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो अभिक्रिया हो जाएगी, और मैग्नीशियम भी अधिक क्रियाशील तो हो जाएगी। अब इसमें कॉपर से कॉपर की ये तो कोई बात नहीं हुई, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये प्रश्न अभी विस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दो। देखो हम पढ़ चुके हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड देखो हमने पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो सारी प्रवृत्ति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन धातुओं के ऑक्साइड सारी प्रवृत्ति के, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो सारी भी हैं और अम्लीय हैं, मतलब वो दोनों है। उभय का मतलब होता है दोनों, मतलब इनमें दोनों गुण होते हैं, वो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारक से भी अभिक्रिया करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों कैसे हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षारक से भी अभिक्रिया करता है, ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षारक से भी अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम देखो अब इनकी अभिक्रिया करवा के देखिए हम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर इसकी अम्ल से अभिक्रिया करे तो बनेगा AlCl3, ठीक है, और जल का निर्माण होगा H2O। लेकिन अगर अब देखो इसने अम्ल से अभिक्रिया करी तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, क्षारक का काम किया। अगर इसकी अभिक्रिया करवाएं हम किसके साथ, किसी क्षारक के साथ, NaOH क्या बनेगा, Na2AlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, यहाँ पे इसने अम्ल का काम किया। इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल का कार्य भी कर रहा है और सारक का कार्य भी कर रहा है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस HCl बनेगा ZnCl2 प्लस H2O, यहाँ पे इसने किसका काम किया, सारक का। ZnO प्लस NaOH अगर इसके अभिक्रिया करवाएं तो बनेगा Na2ZnO2, ठीक है भाई। सोडियम जिंकेट ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ये बना सोडियम जिंकेट, तो यहाँ पे इसने किसका काम किया, यहाँ इस पे इसने अम्ल का कार्य किया, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ सारक का काम कर रहा है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, अम्ल का कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब इसमें अम्लीय गुण भी है और क्षारीय गुण भी है, दोनों ही गुण है, तो इसको हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उसके बाद है दो धातुओं के उदाहरण जो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर दे। देखो वो धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है, सक्रियता श्रेणी मैंने बताया था, सक्रियता श्रेणी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, HG मतलब मरकरी, AG AU, एजी मतलब सिल्वर, AU मतलब गोल्ड, ये सक्रियता श्रेणी है। तो दो धातु ऐसी बतानी है जो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर दे। देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वे सभी हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर सकती हैं। तो किसी का भी उदाहरण दे दो,
पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक सभी ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को अम्ल से स्थापित कर सकती है। लेकिन अगर वो पूछ ले कोई ऐसी दो धातु के उदाहरण दो जो हाइड्रोजन को अम्ल से स्थापित नहीं कर सकती, तो कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को उसके हाइड्रोजन को अम्ल से स्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है भाई, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक का उच्च क्वथनांक क्यों होता है। देखो हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक यौगिकों का निर्माण आयनों के जुड़ने से होता है। आयन क्या, एक धन आयन होता है Na प्लस, मान लो Cl नेगेटिव, एक ऋण आयन होता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, तो ये बहुत तेजी से जुड़े होते हैं, मतलब बहुत प्रबल बल से जुड़े होते हैं। इसलिए इनको तोड़ने के लिए हमें, इनके बीच में जो आबंध है उसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इसको बहुत अधिक उच्च तापमान पर गर्म करना पड़ेगा, तब ये अलग अलग होंगे, मतलब ये पिघलेगा। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, अगर हम उनको पिघलाना चाहते हैं तो हमें उनको गर्म करना पड़ेगा, वो भी बहुत अधिक उच्च तापमान पे। क्यों, क्योंकि उच्च तापमान पे गर्म करने से ही इनके बीच के जो आबंध है वो टूट सकते हैं। तो इसलिए यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों के हमने गुण पढ़े थे कि ये क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं, हाँ ये ठोस अवस्था में होते हैं, विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये बात हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों में पढ़ी थी। इसके विपरीत जो हमने पढ़े थे कोवलेंट, मतलब सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आकर्षण बल प्लस और माइनस के बीच में नहीं होता, वहां पे जो आबंध बनता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, इसलिए आकर्षण बल कम होता है, तो आबंध दुर्बल होगा, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो और यही कारण है कि वो ठोस अवस्था में भी नहीं मिलते, वो मिलेंगे या तो द्रव के रूप में या फिर गैस के रूप में। तो उनका गलनांक और क्वथनांक वो निम्न होता है और वो विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं, कोई भी ऐसा यौगिक जो विलयन में आयन नहीं देता वह विद्युत का कुचालक ही होता है, जबकि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो ये वीडियो को देखो, ठीक है, कंसेप्ट को समझ लिया, अब अपनी कॉपी उठाओ, क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करो। जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि साइंस, कोई भी सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आएगा जब तक खुद से नहीं लिखोगे, खुद से सोल्व नहीं करोगे। मतलब आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपका दिमाग कितना चलेगा, वो तभी पता चलेगा जब आप किसी क्वेश्चन को लेके बैठोगे और उसको सोल्व करना शुरू करोगे, तभी तो पता चलेगा कि आपके दिमाग में बात कितनी गई है। मतलब क्या है, चीजों को जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला कि मेरे को कितना समझ में आया है। तो ये चीजें सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस खुद से करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी क्लियर होती है। तो आज हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, वीडियो को पूरा देखा करो, आधी सी वीडियो देखने से कभी कुछ समझ में नहीं आता भाई, या मेरे ही नहीं किसी भी टीचर का कोई कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा अगर आधी वीडियो देखोगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, जब भी देखना तभी चीज़ें क्लियर होती है। तो हमारा ये चैप्टर, इसमें दो टॉपिक, मतलब धातु निष्कर्षण और संक्षण मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो मार्च 2021 के पेपर में नहीं आने वाले, वो हम बाद में करेंगे। तो आज ये चैप्टर हमारा धातु तथा अधातु कंप्लीट हो गया, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।